स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा अग्रवाल फ्रॉम GPHS. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर. सो सी योर बुक्स. योर बुक्स नेम इज PC Rain's ग्रामर. सो नाउ टेक आउट योर बुक एंड पेंसिल एंड फिल योर बुक अलॉन्ग विथ मी. अवर लेसन नेम इज वर्ड्स. वट इज वर्ड्स? अ वर्ड इज मेड ऑफ लेटर्स. DOG, यानी कि जब लेटर्स को मिलाकर कोई एक मीनिंग निकलता है तो हम उसको वर्ड कहते हैं, और जो लेटर्स जो होते हैं उनसे मिलकर एक वर्ड बनता है. अ वर्ड मस्ट हैव अ मीनिंग. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विदाउट मीनिंग इज नॉट अ वर्ड. यानी कि एक जो वर्ड होता है उसका कोई मीनिंग जरूर होना चाहिए, लेकिन यदि किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे. ओके, जैसे कि लुक एट द फॉलोइंग लेटर्स. अब लेटर्स को देखिए. MNO, CTO, KLT, OOD. हियर आर सम लेटर्स. जब हम इन लेटर्स को मिलाकर पढ़ेंगे, MNO, KLT, CTO, OOD, जब हम इनको मिला के रीड कर रहे हैं तो जो वर्ड बन रहा है क्या उसका कोई मीनिंग निकल रहा है? क्या आपने कभी सुना है इनका कोई मीनिंग? मैंने तो नहीं सुना. आई थिंक नहीं. डू द अबव लेटर्स मेक वर्ड्स? यानी कि क्या ये लेटर्स से कोई वर्ड बन रहा है? नो, दे डू नॉट मेक वर्ड्स. दे आर जस्ट लेटर्स. यानी कि इनसे कोई वर्ड नहीं बन रहा, ये सिर्फ लेटर्स हैं. इट मीन्स ये वर्ड नहीं है. ओके, यानी कि अगर किसी लेटर से कोई वर्ड बन रहा है, कोई मीन्स निकल रहा है उस वर्ड का, तो हम उसको वर्ड कहेंगे. बट अगर कोई मीन्स नहीं निकल रहा है तो हम उसे वर्ड नहीं कहेंगे. हियर आर सम एग्जाम्पल्स इन आवर बुक. आपकी बुक्स में कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं. इन एक्सरसाइज को हम करते हैं. सर्कल द सेट ऑफ लेटर्स विच मेक अ वर्ड. यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं हमें, और ये वर्ड्स जो बने लिखे हुए हैं वो लेटर्स से मिल के ही बने हैं, तो हमें उन वर्ड्स पर सर्कल करना है जिनका कोई मीन्स निकल रहा है. ओके, जिनसे कोई वर्ड बन रहा है. तो मैं रीड करते हैं. नंबर ए, BETTI, METTI, KITE, UNYDLE. अब आप बताइए इसमें से किस लेटर्स से जो वर्ड बने हैं, किस वर्ड का कोई मीन्स निकल रहा है? आई थिंक काइट. काइट इज अ राइट आंसर. काइट तो आपने सबने पढ़ी है. काइट मीन्स पतंग, यानी कि काइट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट नंबर बी, TIGER, टाइगर. OICN, TJWIS, SNAKE. अब यहाँ देखिए, आपको कौन सा वर्ड लग रहा है जिसका कोई मीनिंग है, जिसका कोई अर्थ होता है, यानी कि जिसको आपने सुना है पहले? OICN, आई थिंक नहीं. TJWIS, ये भी कोई वर्ड नहीं है. तो अवर राइट आंसर क्या है? हमारे राइट आंसर टाइगर. टाइगर तो आप सबने सुना है ना, टाइगर एंड स्नैक. ओके, नंबर सी, FLAG, GIRL, OYT, BOY. नाउ टेल मी, आप बताइए इसमें से किन लेटर से जो वर्ड बने हैं उनका मीनिंग निकल रहा है, कौन से लेटर से वर्ड बन रहा है? आई थिंक FLAG, फ्लैग. फ्लैग मीन्स झंडा, है ना, हमने सबने सुना है ये वर्ड. GIRL, गर्ल. गर्ल मीन्स लड़की, है ना. OYT, नो, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा. BOY, बॉय. बॉय मीन्स लड़का. ओके, एक्सरसाइज नंबर टू, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ लेटर दे बिगेन विथ. ये देखिए, हियर आर सम पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नीचे कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, बट दे आर इनकम्प्लीट. जो वर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं है. हमें इन वर्ड को कंप्लीट करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो वर्ड हैं विच लेटर्स, यानी कौन से लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना. तो आप फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, इट्स अ वेरी इजी. एप्पल. एप्पल, ए. क्या आएगा यहाँ पर? ए. ओके,
Next, bell. B for bell. है ना? अच्छा, look this picture. What is this? Dragon. D for dragon. Engine. E for engine. Oh, what is this? Frog. Frog. F-R-O-G. Frog. Guitar. G for guitar. G से start होती है इसकी spelling. Hat. H-A-T. Hat. Insect. I-N-S-E-C-T. Insect. तो I. ये क्या है? Jacket. Okay. J-E-C-K-E-T. Jacket. तो हम यहाँ क्या भरेंगे? J. Okay. Key. K-E-Y. Key. Lid. Okay. क्या है ये? Lid. L-I-D. Lid. Lid means ढक्कन होता है. Mat. M-A-T. Mat. Mat means चटाई. Okay. Okay. अब बताइए आप. Now tell me. ये पिक्चर से आप इन्हें कर पाएंगे? आप बताइए, आप भी थोड़ा सा सोचिए मेरे साथ साथ कि किस पिक्चर्स में कौन सा वर्ड आएगा. ओके, नेक्स्ट पिक्चर, नेल. एन ए आई एल, नेल. नेल मीन्स कील होता है. ओके. ऑरेंज. ओ फॉर ऑरेंज. क्विल्ट. क्यू यू आई एल टी, क्विल्ट. रिबन. आर आई डबल बी आई यू एन, आर आई डबल बी ओ एन, रिबन. ओके. Now, what is this? Okay. What is this? Saw. Saw. Saw means RE. ये जो carpenters होते हैं ना, वो इसका यूज करते हैं, ठीक है, लकड़ी को काटने के लिए. Kite. K for kite. Yak. Yak. Y for yak. Yak means जंगली भैंसा, है ना. Okay. Next, umbrella. U for umbrella. C. C A M E R A. Camera. Watch. W A T S. W A T C H. Watch. Z I P. Zip. और ये क्या है? Drum. D R U M. Drum. Okay. D R U M. Drum. Okay. Our next exercise. हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक एक्टिविटी है. ओके, नाउ वी विल डू अ एक्टिविटी. वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अब हम इसको करेंगे. ओके. लुक एट द पिक्चर, देन रीअरेंज द हाइलाइटेड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. अब आप इनको ध्यान से देखिए. नंबर वन, नंबर ए, इट इज आ. अब इट इज आ के ये रेड कलर से जो लेटर्स लिखे हुए हैं, ए ई सी एम आर ए, ये क्या है? इनसे तो कोई मीनिंग बन ही नहीं रहा. बट इनके सामने, इन फ्रंट ऑफ दिस, पिक्चर बनी हुई है. व्हाट इज दिस? कैमरा. मींस ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये अरेंज नहीं है, हमें इनको रीअरेंज करके एक स्पेलिंग बनानी है. स्पेलिंग कौन सी बनानी है? कैमरा की. ओके. तो हम कैमरा की स्पेलिंग लिखते हैं, इन्हीं में से लिखेंगे. इस जो लेटर्स अरेंज नहीं है, इन्हीं लेटर्स में से हम लेटर्स निकालेंगे और कैमरा की स्पेलिंग बनाएंगे. C A M E R A, कैमरा. ओके. नंबर बी, इट इज आ. A B N A N A. अब A B N A N A तो कुछ होता ही नहीं है, बट पिक्चर इज बनाना. पिक्चर में क्या है? बनाना है, तो बनाना. B A N A N A, बनाना. नंबर C, इट इज अ S I R T H. S I R T H, शर्ट. ओके. शर्ट. S H I R T, शर्ट. स्टूडेंट्स, हमने जो स्पेलिंग्स ली हैं वो इन्हीं लेटर्स में से ली हैं. ओके. जो लेटर्स जो हमने ली हैं स्पेलिंग बनाने के लिए, वो इन्हीं में से ली हैं. इन्हीं को रीअरेंज करके हमने कंप्लीट स्पेलिंग्स बनाई है. नंबर डी, इट इज एन. अब आप थोड़ा अपने मन से भी करिए. इट इज एन, पिक्चर को देखिए, एरोप्लेन. व्हाट इज दिस पिक्चर? एरोप्लेन. पिक्चर किस चीज की है? एरोप्लेन की. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एरोप्लेन. ए ई आर ओ पी एल
A N E aeroplane है ना. नेक्स्ट नंबर E it is a watch है ना. तो watch की स्पेलिंग WATCH, इनको रीअरेंज करके लिखेंगे WATCH watch. नंबर F it is a OACT को अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कोट COAT. ओके नंबर जी इट इज अ एफ ओ आर जी से क्या बनेगा, फ्रॉग FROG. ठीक है. इट इज अ CKE से क्या बन रहा है, केक. बड़ा प्यारा लग रहा है ना केक, आप सभी को अच्छा भी लगता है. CAKE केक. इट इज अ नंबर आई इट इज अ DRMU से क्या बनेगा, ड्रम है ना. तो DRUM ड्रम. इट इज नंबर जे इट इज अ DCKU. लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस, डक. DUCK DUCK. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. वी मेट इन अवर नेक्स्ट क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. सो प्लीज आप लोग इस चैप्टर को दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा. हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे. थैंक यू.